मिनोरिटी कमीशन पंजाब दे साबका चेयरमैन वालों मणिपुर हिंसा नूं लै के गुरदासपुर विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है अते उन्हां दा कहना है कि इस हिंसा नूं लै के जल्द ही पीस कमेटी वालों एक बड़ी मीटिंग की जाएगी। उन्हां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते गृह मंत्री अमित शाह नूं भी अपील की। देखो जी, मणिपुर दे विच जो पिछे भी वापरिया वा, जो वापरन डिया दा वा, ये बड़ी दुखदाई घटना वा। इहदी नूं असीं जिन्नी भी इहदी निंदा सख्त तरीके नाल करांगे उन्नी थोड़ी आ, क्योंकि जो मैनूं स्टडी आ, मणिपुर दे विच लखां लोक पिछले समें दे विच बेकार हो गए और इस तरीके 350 चर्च जड़े आ वो जलाए गए थे और लेटेस्ट जी न्यूज़ आ 152 152 लोग वो प्रभु के घर चले गए थे और दो कबीले आ, एक कुकी कबीला वा एक मट्टी कबीला। ये दोनों कबीले, कुकी कबीला जड़ा वा उहदे विच प्योरली क्रिश्चन लोग आ, पर बड़े दुख ना कहना पैंदा वा कि अज तक उत्थे दे मुख्यमंत्री ने, सेंटर दी सरकार ने सीधे तौर पर दखलअंदाजी करके उत्थे दे माहौल नूं अज तक शांत नहीं किया। और बेशक हिंदुस्तान दे विच असी घट गिनती दे विच क्रिश्चन भाईचारा वसदे आ, पर जो जुलम तशद्दुद क्रिश्चन भाईचारे दे उत्ते हो रहा वा, असी पिछे भी थोड़े दिन होए आ गवर्नर साहब नूं मिले सी, असी गवर्नर साहब नूं सीधे तौर पर कहा सी कि गवर्नर साहब तुसीं सेंटर दे नुमाइंदे जी, तुसीं साडी पंजाब दी आवाज़ जिहड़ी आ बड़े चंगे तरीके दे नाल सेंटर दे विच होम मिनिस्टर नूं सत्कारयोग अमित शाह नूं बड़े वधिया तरीके नाल पहुँचा सकदे जे, जिन्हां कोल लॉ एंड आर्डर दा पूर्ण अधिकार, सानूं उन्हां पूर्ण भरोसा भी दवाया सी, असी उन्होंने दस्या सी कि जिहड़े पंजाब दे विच कई अजिहे मसले ने जिथे घट गिनतियां दे उत्ते हमले हुंदे आ, तो मैं कहा साडे लोग ये महसूस करते कि असी घट गिनती विच वां ते तां करके साडे ते हमले हो रहे आ, सहम दा माहौल बनिया पिया दा। इस करके दो लड़कियां दी जिहड़ी कथा पिछले दो दिन तो वीडियो दे विच वायरल हो रही आ, प्रैस विच आ रही आ, बहुत शर्मनाक गल आ। इन्हीं क्रिश्चना वास्ते नहीं है, मैं कहना शर्मनाक गल, हिंदुस्तान के सारे वसनीकां दे विच, चाहे वह हिंदू आ, चाहे वह मुस्लिम आ, चाहे वह सिख आ, चाहे वह गोदी आ, चाहे कोई जैनी भाईचारे का वा, ये क्योंकि समाज के एक ही पिता के एक अंग आ। सो मैं तो यही कहांगा प्राइम मिनिस्टर साढ़े श्री मोदी जी और होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी सीधे तौर पर दखलअंदाजी कर, और मैं समझना कि लॉ एंड आर्डर का पूरा अधिकार इन्हें कोल आ, इन्ना जुलम ते तशद्दुद जिहदे नाल हर एक सिटीजनशिप का, हिंदुस्तान दे विच हर नागरिक का, इनू सुन के, इनू देख के, इनू पढ़ के सिर झुकदा वा। सो मैं तो यही कहांगा कि मैं धन्यवाद करना चाहुंदा वा राकेश पंडित जी का, जिन्हां दा चैनल दे द्वारा असीं अज गल कर रहे हैं, अपनी आवाज़ जिहड़ी आ उह सरकारां तक पहुँचा रहे हैं, पंजाब दी सरकार, हिंदुस्तान दी सरकार तक अपनी आवाज़ दे रहे हैं, जिहदे विच मेरा छोटा वीर बब्बा गिल जी ये भी मेरे नाल ने, लब्बा जी मेरे ये भी छोटे वीर ने, रंधावा जी ये भी छोटे वीर ने, बड़ी वधिया मेरे साथी आ प्रिंसीपल साहब सारे, प्रिंसीपल सुनील जी, मास्टर सुनील जी और यकूब मसीह जी और पास्टर पतरस जी, मेजर मंगा जी और जिन्हें भी साथी इतने आए आ, आज दे जो सोच विचार जो विचार वटांदरा किया गया कि एक तो जो 23 तरीक का प्रोग्राम 30 तरीक के प्रोग्राम ना संबंधित वर्ल्ड लैवल की रैली जो आ। देखो जी, ये सारा काम सरकार पर निर्भर, सरकार चाहन एक मिनट के सारे कानून जोड़े आ सही कर सकते हैं, और ये जो ढिल मठ होएगी, देखो वर्ल्ड लैवल के उत्ते गल चल रही वा, ये हिंदुस्तान से नहीं गल हो रही जी, ये पूरे देशों के गल की चर्चा वा जी, कि मणिपुर के उत्ते किस प्रकार तशद्दुद हो रहा,
मैं तो यही कहना चाहवागा कि इस तशद्दुद नूं देख के जिहड़े विदेशों में भी लोग वसदे आ उन्होंने भी साढ़े जिथे जिथे भी वह हैगे वो अपनी आवाज़ बुलंद करन और ये तशद्दुद नूं रोकण दे लई जिथे जिथे भी उन्हां दा जोर पैंदा वा उत्थों दे प्राइम मिनिस्टर नूं उत्थों दे होम मिनिस्टर नूं विदेश मंत्री नूं मिल के गवर्नर साहब नूं मिल के मतलब इस गल की इतलाह दे के इहोजे सख्त कानून बनाए जाण कि कोई बंदा भी जिहड़ा उह सिर ना चुक सके और घट गिनती दे लोक जिहड़े आ चाहे हिंदुस्तान च रहिंदे आ चाहे किसी स्टेट च भी रहिंदे आ उह सुरक्षित महसूस करन कि असीं इस देश दे वस रहे हां। मैं तां तुहानूं पहले दस्सिया कि वर्ल्ड लैवल पीस जिहड़ी आ साडी जिहड़ी प्रोटेस्ट आ उह 23 तरीक नूं इहदी मीटिंग आ 30 तरीक नूं इहदा प्रोग्राम जिहड़ा पहले ही आयोजन किया जा रहा वा और जिहदे विच मैं समझदा कि साडे सारिया जथेबंदियां चाहे किसी भी मिशनरी लैवल तो उपर उठ के पार्टी लैवल तो भी उपर उठ के असी इस प्रोग्राम दे विच शामिल होवांगे और इस पीसफुली प्रोटेस्ट नूं कामयाब करने के लिए सारे असी एकवट होवांगे।